Welcome at Universal Education Point channel. Today's topic is transistor biasing and faithful amplification. यानी कि इस लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर की बायसिंग और फेथफुल एम्पलीफिकेशन क्या चीज होती है, इस फेथफुल एम्पलीफिकेशन को अचीव करने के लिए कौन सी प्री कंडीशंस होती हैं, सिर्फ हम इस लेक्चर में इस पर बात करेंगे। इसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फेथफुल एम्पलीफिकेशन को कैसे अचीव करेंगे, किस डिवाइस की हेल्प से अचीव करेंगे और वो कौन से पैरामीटर्स होंगे जो इस फेथफुल एम्पलीफिकेशन को हमें अचीव करने में हेल्प करेंगे। उन पैरामीटर्स को मैं इस लेक्चर में बता देता हूं। वो दो पैरामीटर्स होंगे, एक तो डीसी लोड लाइन होगी और एक क्वेशेंट पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट या मैं जिसको क्यू पॉइंट बोलता हूं, वो दोनों के दोनों पैरामीटर इस फेथफुल एम्पलीफिकेशन को हमें अचीव करने में हेल्प करेंगे। इस लेक्चर पे स्टडी करने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ट्रांजिस्टर के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स टर्म को स्टडी करना होगा, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, एम्पलीफिकेशन है। एम्पलीफिकेशन की बात करते ही दिमाग में एक बात स्ट्राइक करती है, हमें किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी कर रहे हैं। जब हम सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो हमें उस सिग्नल को लेना होगा। और मैं सिग्नल किसकी फॉर्म में ले रहा हूं, एक साइनोसाइडल सिग्नल ले रहा हूं। ये साइनोसाइडल सिग्नल जो मैंने लिया है, इसको मैं क्या करना चाहता हूं, एम्पलीफाई करना चाहता हूं। और ये सिग्नल अपने आप तो एम्पलीफाई होगा नहीं, इसका मतलब इसको मैं किसी डिवाइस की हेल्प से एम्पलीफाई करना चाहता हूं। और जो भी डिवाइस मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर इस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, इस डिवाइस का नाम मैं आपको आने वाले टाइम पर बताऊंगा। सिर्फ यहाँ पर ये याद रखो, ये डिवाइस है, इस डिवाइस का ये इनपुट पार्ट है, इस डिवाइस के ये वाला आउटपुट पार्ट होगा और ये डिवाइस प्रोसेस करेगी इस इनपुट सिग्नल को। अगर ये प्रोसेस जब करेगी तो इसका मतलब सबसे पहले हमें इस इनपुट सिग्नल को, जो कि साइनोसाइडल की फॉर्म में है, इस डिवाइस के इनपुट के ऊपर क्या करना पड़ेगा, फीड करना पड़ेगा। जैसे ही हमने फीड किया, इस डिवाइस ने इसको प्रोसेस किया और प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिला, इसका एम्पलीफाइड फॉर्म मिला। इसका मतलब हमें इसकी आउटपुट मिली। अब हमने इस आउटपुट सिग्नल को कंपेयर किया इस इनपुट सिग्नल के साथ, तो हमने क्या देखा, आउटपुट सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड से ज्यादा है। इसका मतलब कोई चेंज आया है किसके अंदर, मैं देख रहा हूं आउटपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अंदर मैं चेंज देख रहा हूं इनपुट सिग्नल से। और मैं क्या देख रहा हूं, जो आउटपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ है, मतलब इसकी जो ताकत है, इसकी जो पावर है, वो क्या हो गई, चेंज हो गई इन कंपैरिजन ऑफ ए इनपुट सिग्नल के। तो एम्पलीफिकेशन क्या कहता है, अगर हमें आउटपुट सिग्नल के अंदर क्या मिले, कोई चेंज मिले एम्पलीट्यूड के अंदर, पावर के अंदर, स्ट्रेंथ के अंदर सिग्नल की, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, एम्पलीफिकेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। तो अब अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पलीफिकेशन लिखना आए तो हम कैसे लिखेंगे, एम्पलीफिकेशन इज ए प्रोसेस। उस एम्पलीफिकेशन वो प्रोसेस होगा जिसके अंदर क्या अक्कर करेगा, चेंज अक्कर करेगा। और वो चेंज किसके अंदर अक्कर करेगा, सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अंदर, पावर के अंदर और स्ट्रेंथ के अंदर। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्पलीफिकेशन। इसका मतलब एम्पलीफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच चेंजिंग अक्कर, किसके अंदर अक्कर, चेंजिंग अक्कर इन आइदर एम्पलीट्यूड, पावर और स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल, दैट प्रोसेस आर कॉल्ड द एम्पलीफिकेशन। अब हमें ये एम्पलीफिकेशन तो मिला, और ये एम्पलीफिकेशन किसकी हेल्प से मिला, इस डिवाइस की हेल्प से मिला। तो
तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट था एम्पलीफिकेशन का, हमने इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया। किसकी हेल्प से एम्पलीफाई कर दिया? इस डिवाइस की हेल्प से एम्पलीफाई कर दिया। अब इस डिवाइस का नाम देना था, इसका नामांकन करना था, तो हमने इस डिवाइस का क्या नाम दिया? क्योंकि एम्पलीफिकेशन हो रहा है तो एम्पलीफिकेशन कौन करेगा, तो हमने इसको बहुत सोच समझ के नाम दिया एम्पलीफायर का। भाई एम्पलीफायर ही सिग्नल का क्या करेगा? एम्पलीफिकेशन करेगा। तो हमने इस डिवाइस का क्या नाम दे दिया? एम्पलीफायर नाम दे दिया। अब हमने सोचा ये एम्पलीफायर है क्या चीज। जब हमने इस सर्किट को देखा तो हमने क्या देखा है, आउटपुट के अंदर जो सिग्नल मिला है उस सिग्नल की स्ट्रेंथ, पावर, एम्पलीट्यूड, वोल्टेज क्या हो गई? ज्यादा हो गई इन कंपैरिजन ऑफ ए इनपुट सिग्नल से। इसका मतलब हमने फिजिक्स के अंदर सोचा ये क्या कहीं पर हमें मिलता है, आउटपुट सिग्नल की पावर, वोल्टेज, स्ट्रेंथ इनपुट सिग्नल से ज्यादा आती है। तो हमने देखा ये कहां पर मिलती है, ट्रांजिस्टर के केस में मिलती है। इसका मतलब ये जो एम्पलीफायर है उसका वो कौन है, वो कोई ट्रांजिस्टर है। और ट्रांजिस्टर को हमने तीन मोड के अंदर स्टडी किया था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। हमने तीनों कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जब स्टडी किया था तो वहां पर हमें उन तीनों में से एक बेस्ट चेक करना था। और बेस्ट किसके बिहाफ के ऊपर चेक किया था? हमने तीनों एम्पलीफायर के अंदर वोल्टेज गेन निकाली थी, करंट गेन निकाला था, उस गेन फैक्टर निकाला था जिसको हमने नाम दिया था कॉमन बेस के अंदर अल्फा गेन का नाम दिया था फैक्टर का, कॉमन इमीटर के अंदर हमने बीटा का नाम दिया था और कॉमन कलेक्टर के अंदर हमने गामा का नाम दिया था। तो ये जो गेन फैक्टर है, इस गेन फैक्टर को हमने कंपेयर जब किया था तो हमें सबसे बेस्ट एम्पलीफायर कौन मिला था? कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर मिला था। इसका मतलब जो ये एम्पलीफायर है वो कौन सा डिवाइस होगा? कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर होगा, क्योंकि इसके अंदर जो करंट गेन की बात करूं या मैं वोल्टेज गेन की बात करूं तो यानी कि गेन फैक्टर क्या चीज होती है, अगर वोल्टेज गेन की बात करूंगा तो मैं एक रेशियो होगी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट बड़ी है इनपुट छोटी है तो इसका मतलब हमारा फैक्टर जो आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा। अगर मेरे पास करंट गेन चेक करूं तो आउटपुट का करंट ज्यादा है इनपुट करंट से, तो उस केस में भी करंट गेन की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो हमें यहां पर जो गेन फैक्टर मिला था उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा मिली थी और बाकी के फैक्टर में किसी में भी 1 से ज्यादा नहीं आई थी ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये डिवाइस है, ये जो एम्पलीफायर है, सबसे बेस्ट एम्पलीफायर कौन होगा? कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर होगा। इसका मतलब एम्पलीफिकेशन प्रोसेस के अंदर मैं कौन से एम्पलीफायर को यूज करूंगा? कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को यूज करूंगा। अब ये कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की मैं आगे चल के बात करूंगा, क्योंकि मैं यहां पर नहीं बात करना चाहता। मेरे को कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के ऊपर जब बात करनी पड़ेगी तब बात करेंगे। तो यहाँ पे अब मैं बात करता हूं जो इस ट्रांजिस्टर की हेल्प से हमें एम्पलीफिकेशन मिलेगा वो एम्पलीफिकेशन हमारे काम का है या नहीं है। तो अब हमें ये चेक करना था, अगर काम का है तो उसको हम कहेंगे फेथफुल एम्पलीफिकेशन, अगर काम का नहीं है तो उसको हम कहेंगे अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो इसका मतलब फेथफुल एम्पलीफिकेशन कौन सा होगा? फेथफुल वो एम्पलीफिकेशन होगा जिस एम्पलीफिकेशन के अंदर क्या हो, जो इनपुट वाला सिग्नल है वो एज इट इज आउटपुट के अंदर हमें मिले। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, आउटपुट के अंदर हमारे पास जो सिग्नल है वो इनपुट का रिप्रोडक्शन है। इसका मतलब इस सिग्नल की शेप के अंदर क्या नहीं आया, कोई भी चेंज अगर नहीं आया है तो ऐसे एम्पलीफिकेशन को हम क्या कहते हैं, फेथफुल एम्पलीफिकेशन कहते हैं।
यहां पर मैं बात करूं तो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल के मैं अगर इसको थोड़ी पॉइंटों में अगर तोड़ दूं इस ब्रेस से, तो ये इस सिग्नल के क्या बन जाएंगे, कंपोनेंट्स बन जाएंगे। मैं क्या बात कर रहा हूं, देखो ये मेरे पास आउटपुट सिग्नल है। अगर आउटपुट सिग्नल हमें कैसा मिला है, इनपुट सिग्नल जैसा मिला है, इस आउटपुट सिग्नल के अंदर क्या नहीं है, कोई भी लॉस नहीं है, किसके अंदर, इस सिग्नल के कंपोनेंट्स के अंदर। इसका मतलब हमारे पास कोई भी इस सिग्नल का कंपोनेंट क्या नहीं हुआ है, या तो अटेनुएट नहीं हुआ है, या इसके अंदर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आया है, या कोई भी लॉस नहीं हुआ है। इसका मतलब हमें क्या मिला, एज इट इज रिप्रोडक्शन ऑफ द इनपुट सिग्नल्स फॉर्म एट द आउटपुट। आउटपुट के अंदर हमें सेम सिग्नल मिला इनपुट जैसा का जैसा। देर इज नो चेंज इन द शेप ऑफ द आउटपुट सिग्नल व्हेन कंपेयर इट विद द इनपुट सिग्नल। तो ऐसे एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फेथफुल एम्पलीफिकेशन। अब पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या लिखना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फेथफुल एम्पलीफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच रिप्रोडक्शन ऑफ ए इनपुट सिग्नल विदाउट एनी लॉस इन एनी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल आर कॉल्ड द फेथफुल एम्पलीफिकेशन। इसका मतलब इस सिग्नल के किसी भी कंपोनेंट्स के ऊपर इस कोई लॉस नहीं हुआ है, तो ऐसे एम्पलीफिकेशन को हम क्या कहते हैं, फेथफुल एम्पलीफिकेशन। अगर मेरे पास सपोज करो ये जो आउटपुट सिग्नल का है, ये इसका इतना कंपोनेंट क्या कर जाए, इसमें कट जाए, अटेनुएट हो जाए, डिस्टोर्शन आ जाए, इसका मतलब ये वाला पोर्शन यहां से सपोज करो ऐसे डिस्टोर्शन एग्जिस्ट, लॉस आ गया इसमें, सपोज करो इतने पार्ट के अंदर लॉस आ गया यहां से, ये तो ये सिग्नल मेरे किसी भी काम का नहीं है। ऐसी एम्पलीफिकेशन को क्या कहेंगे हम, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन। इस आउटपुट पार्ट को हम किसी डिवाइस के अंदर नहीं दे सकते, वो डिवाइस इस सिग्नल को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अब हमें बात करनी थी जो ये फेथफुल एम्पलीफिकेशन है, इसको हम इस डिवाइस की हेल्प से अचीव करना चाहेंगे, लेकिन इस डिवाइस को अचीव कर, इस डिवाइस से अगर अचीव करना चाहते हैं तो इस डिवाइस की हमें क्या करनी पड़ेगी, बाइसिंग करनी पड़ेगी, जो कि मैं यहां पर आ चुका हूं ट्रांजिस्टर बाइसिंग के ऊपर। इसका मतलब फेथफुल एम्पलीफिकेशन अगर हमें चाहिए तो हमें ट्रांजिस्टर की क्या करनी पड़ेगी, बाइसिंग करनी पड़ेगी। और मैं इतना समझ चुका हूं ट्रांजिस्टर हमेशा एक्टिव रीजन के अंदर वर्क करता है। ट्रांजिस्टर के अंदर तीन रीजन आते हैं, जो पहला रीजन मैं बोलता हूं वो हमेशा एक्टिव रीजन, दूसरा रीजन होता है सैचुरेशन रीजन, और तीसरा जो रीजन होता है वो कट ऑफ रीजन। ये ट्रांजिस्टर हमेशा किस में वर्क करना चाहिए, हमारा एक्टिव रीजन के अंदर वर्क करना चाहिए। और एक्टिव रीजन के अंदर वर्क ये ट्रांजिस्टर कब करेगा, जब इसका इनपुट पार्ट हमेशा फॉरवर्ड बायस हो और आउटपुट पार्ट हमेशा क्या हो, इसका रिवर्स बायस हो। चलिए अब इस पर बात करने से पहले हम यहां से बात करते हैं, ये ट्रांजिस्टर कौन सा है और इस ट्रांजिस्टर के अंदर हमने कौन से टर्मिनल को कॉमन कर रखा है। हमारा ट्रांजिस्टर हमेशा, हमें पता है ट्रांजिस्टर के अंदर तीन टर्मिनल्स होते हैं, पहला टर्मिनल इमीटर, दूसरा टर्मिनल बेस और तीसरा टर्मिनल कलेक्टर। तीन टर्मिनल से बना होता है और इन तीनों टर्मिनल्स को हमने डिफरेंशिएट दो पैरामीटर के बिहाफ के ऊपर किया होता है, नंबर वन इन रीजन की थिकनेस के ऊपर और दूसरा इन रीजन के अंदर डोपिंग लेवल कैसा है, इनके बिहाफ के ऊपर इन तीनों रीजन को हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है। जो फर्स्ट रीजन है उसका नाम इमीटर है, दूसरा बेस है और तीसरा कलेक्टर है। अब मैं ये देखना चाह रहा हूं इस इमीटर के अंदर जो डोपिंग है वो हाईली डोप्ड होता है और इसके अंदर जो मेजोरिटी के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एन टाइप है। इस बेस के अंदर जो डोपिंग की जाती है वो लाइटली डोप की जाती है और इसकी बहुत थिकनेस पतली होती है,
तो इसके अंदर मेजोरिटी के अंदर जो होल्स हैं और लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। इस कलेक्टर के अंदर थिकनेस तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन इमिटर के कंपैरिजन में ये मॉडरेट डोपिंग होती है। तो अब यहां पर जब हमने देखा ये एनपीएन, एनपीएन क्यों होगा वो सिंबल बताएगा, बात करेंगे उस पर भी। एनपीएन को मैं देखूं पीएनपीएन, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर दो पीएन डायोड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। और पीएन डायोड क्या कहता है, नाउ टेक ए पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ ए होल होगा, नाउ टेक ए एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, दोनों को डिफ्यूज करेंगे वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर तो एक दोनों के बीच में एक जंक्शन बनता है। कैसे बनता है, होल मूव करेगा इस रीजन से पी टाइप से एन टाइप में, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एन टाइप से पी टाइप के अंदर, और ये वाला प्रोसेस कब तक चलता रहता है, जब तक दोनों जो दोनों जंक्शंस के अंदर, दोनों रीजन्स के अंदर क्या ना सैचुरेशन स्टेज एग्जिस्ट कर जाए। इसका मतलब इनके अंदर एक पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट कर जाता है, वो पोटेंशियल बैरियर फ्लो को स्टॉप कर देता है, और उस पोटेंशियल बैरियर को हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर कहते हैं। जर्मेनियम के केस की बात करूं तो ये इन दोनों के अंदर जो पोटेंशियल बैरियर होता है, या ये कट इन वोल्टेज में बात कर दूं, इसको कट करने वाली वोल्टेज, मतलब इस उस वोल्टेज तक कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा उस सर्किट में। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूं मैं जर्मेनियम की यहां पर बात करता हूं, तो ये जो इसमें डिप्लीशन लेयर या पोटेंशियल बैरियर की स्ट्रेंथ होती है ये 0.5 वोल्ट होती है, और सिलिकॉन के केस में ये होती है 0.7 वोल्ट। इसका मतलब ये क्या चीज है, कि बैरियर है, और ये बैरियर जब तक नहीं टूटेगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस बैरियर को तोड़ने के लिए हम इस डायोड को क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं। जब मैंने इसको ऑन किया तो यहां से ये पी है, और पी हमेशा पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल पे है, तो यहां पर मेजोरिटी में होल है, तो ये होल को क्या करेगा, पुल करेगा, क्योंकि अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये पुलिंग फोर्स लगाएगा। ये नेगेटिव टर्मिनल एन से कनेक्ट है तो ये एन टाइप में मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनको पुल करेगा। जब होल इस रीजन से इस रीजन में एंटर करेगा और इलेक्ट्रॉन इस रीजन से इस रीजन में एंटर करेगा, तो इस पी होल को तो यहां पर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन होल के साथ क्या करेगा, रिकम्बाइन करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ रिकम्बाइन करेगा तो यहां पर इस डिप्लीशन लेयर की स्ट्रेंथ ऐसे क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। इसका मतलब मैं ये कट इन वोल्टेज की वैल्यू को अब क्या कर रहा हूं, मैं यहां से बढ़ा रहा हूं तो ये वैल्यू क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, और एक वैल्यू के ऊपर जाकर ये डिप्लीशन लेयर पोटेंशियल बैरियर ब्रेक होगा और सर्किट के अंदर से एकदम से करंट फ्लो कर जाएगा, ये हम जानते हैं। इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है वो दो जंक्शन के कॉम्बिनेशन से बना है। पहला जंक्शन ये किसके बीच में है, इमीटर बेस के बीच में है, और ये इमीटर बेस के बीच में है, और दूसरा जंक्शन किसके बीच में है, कलेक्टर बेस के बीच में है। अब मैंने यहां पर जब देखा तो ये मेरे पास इस ट्रांजिस्टर के अंदर केवल तीन टर्मिनल्स अवेलेबल थे। तो हमें किसी भी डिवाइस की अगर आउटपुट चेक करनी है तो हमें चार टर्मिनल चाहिए, दो इनपुट के लिए चाहिए और दो आउटपुट के लिए चाहिए, लेकिन यहां पर तो केवल तीन टर्मिनल्स अवेलेबल थे। एक ये इमीटर टर्मिनल है, ये मेरे पास बेस टर्मिनल है, और ये मेरे पास कलेक्टर टर्मिनल है। तो क्या करना पड़ा, यहां पर इस ट्रांजिस्टर के एक टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, और कॉमन कौन से टर्मिनल को कर दिया, इमीटर को कॉमन कर दिया, यानी कि इमीटर को मैं इनपुट में भी यूज करूंगा, इमीटर को मैं आउटपुट में भी यूज करूंगा। ये इनपुट पार्ट है, ये वाला आउटपुट पार्ट है। अब मैंने इस ट्रांजिस्टर को सिंबल की हेल्प से रिप्रेजेंट किया और इसकी बायसिंग करने की कोशिश की। ये मैंने एनपीएन बता रहा हूं, ये मेरे पास इमीटर टर्मिनल है इस ट्रांजिस्टर का, ये मेरे पास बेस है, मैं इनको तीनों को डिनोट कर देता हूं, ये तीन टर्मिनल्स हैं, और मैंने इस इमीटर टर्मिनल को कॉमन कर दिया है यहां से, ये इसको इनपुट में भी यूज करूंगा, इसको मैं आउटपुट में भी यूज करूंगा।
अब मैंने ये पहले बात कर रहा हूं, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर की जो एरो है ये बताएगी ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन है या पीएनपी है। अगर ये एरो बाहर की तरफ है ऐसे है तो ये एरो हमेशा किसकी डायरेक्शन को बताती है, करंट की डायरेक्शन को बताती है, और करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, और इसका मतलब करंट पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हायर पोटेंशियल होता है, पी टाइप हमेशा हायर मिलेगा और एन टाइप हमेशा लोअर पोटेंशियल मिलेगा। इसका मतलब ये जो है ये वाला ऐसे अगर आ रहा है तो ये पी है और ये एन है, इसका मतलब ये एन पी और ये क्या बच गया एन, ये बन गया ट्रांजिस्टर। तो हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया और इसके इमिटर टर्मिनल को हमने कॉमन कर दिया, और ये ट्रांजिस्टर की जो मैं बायसिंग करूंगा हमेशा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन के अंदर ही वर्क करता है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो एक्टिव रीजन के अंदर जो इमिटर बेस जंक्शन है उसको हमेशा हम फॉरवर्ड बायस बनाएंगे, और कलेक्टर बेस जो जंक्शन है उसको हमेशा हम क्या बनाएंगे, रिवर्स बायस बनाएंगे। ऐसा करने के लिए अब हमें बायसिंग करनी पड़ी है, और बायसिंग करते टाइम पे हमने सबसे पहले किसकी हेल्प से बायसिंग कर रहे हैं, सिग्नल की हेल्प से बायसिंग करेंगे। तो सिग्नल की हेल्प से जब मैं बायसिंग करूंगा तो पहले मैं बात कर दूं ये जो इमिटर बेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मैं नोट करूंगा किसी वोल्टेज से, वोल्टमीटर से, और वो जो वोल्टमीटर जो शो करेगा रीडिंग वो होगी किसके बीच में, वोल्टेज बेस और इमिटर के बीच में। तो ये कौन सी हो जाएगी, वी बी ई, ये तो ये हो जाएगी। और मेरे को अगर कलेक्टर और इमिटर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करना है तो उसको मैं नोट करूंगा किसकी हेल्प से, एक और दूसरे वोल्टमीटर की हेल्प से, और उस वोल्टमीटर को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूं, मैंने उसको नाम दे दिया है कौन सा, ये किसके बीच में वोल्टेज को शो करेगा, वी सी ई के बीच की शो करेगा। अब मैं बायसिंग कर रहा हूं तो इसका मतलब इमिटर बेस जंक्शन को रिवर्स फॉरवर्ड बायस बनाना है और कलेक्टर इमिटर को हमेशा रिवर्स बायस बनाना है, यहां पर मैंने बनाया है। देखिए ये मैंने डीसी सप्लाई बायसिंग से बना रखा है, लेकिन मेरे को सिग्नल से बायसिंग करनी हो तो सबसे पहले हमें कुछ कंडीशंस को चेक करना होगा, वो कंडीशंस ये है। पहली कंडीशंस मैंने लिखा है प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, इसका मतलब तो यहाँ पे जीरो सिग्नल, प्रॉपर जीरो सिग्नल, इसका मतलब इनपुट के ऊपर मेरे को सिग्नल जीरो करना है तो कलेक्टर करंट चेक करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ये मैंने क्या किया है, इनपुट ये मेरे पास, ये मैंने इसके ऊपर ये इनपुट सिग्नल दिया है। अब मैं जब ये सिग्नल इसके थ्रू ट्रांसलेट होगा तो सबसे पहले ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इसकी प्रोपगेट करेगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर इस सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ये वाला टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये वाला टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस कंडीशंस में इस बेस को पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, पी टाइप को पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, एन टाइप को नेगेटिव कनेक्ट हो गया, इमीटर को नेगेटिव कनेक्ट हो गया, तो ये इमीटर बेस जंक्शन इस कंडीशन में तो फॉरवर्ड बायस बन गया, और फॉरवर्ड बायस बन गया तो हमें ये वाला सिग्नल आउटपुट के अंदर एज इट इज अपीयर होगा, ये एज इट इज हमें आउटपुट के अंदर मिलेगा, आउटपुट के अंदर हमें मिल जाएगा ऐसे, ये मैं आउटपुट नोट कर रहा हूं, किसके एक्रोस नोट करूंगा अभी बात करूंगा। इसका मतलब हमें एज इट इज आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी, और वोल्टेज को मैं किसी लोड के एक्रोस ही तो नोट करूंगा, वो बात करेंगे बाद में। अब जब मैं ये वाला सिग्नल इसके थ्रू प्रोपगेट करेगा नेगेटिव हाफ साइकिल, जब इस सिग्नल की ये नेगेटिव हाफ साइकिल प्रोपगेट करेगी तो क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये वाला टर्मिनल तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव हो गया इस कंडीशन पे। तो इस कंडीशन पे क्या हो गया, यहां पर ये पी तो नेगेटिव से कनेक्ट हो गया और एन पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, तो ये तो रिवर्स बायस हो गया, और रिवर्स बायस होते ही इमीटर बेस ये वाला जो जंक्शन है ये वर्क नहीं करेगा, इसका मतलब ये सर्किट कंडक्ट नहीं करेगा, और सर्किट कंडक्ट नहीं करेगा तो इस सिग्नल की ये हाफ साइकिल आउटपुट के अंदर क्या होगी, अपीयर नहीं होगी।
इसके बाद जो नेक्स्ट सिग्नल अब साइकिल आएगी वो वाली अपीयर होगी, ये वाली ऐसे अपीयर होगी, इसका मतलब ये वाली साइकिल हमारी अपीयर नहीं होगी। तो ये तो हमारे पास कोई फेथफुल एम्पलीफिकेशन हमें नहीं मिली, ये तो हमें कैसी एम्पलीफिकेशन मिली इस केस में, अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन मिली। लेकिन हमें तो चाहिए क्या, फेथफुल एम्पलीफिकेशन। तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस सिग्नल को यहां से हटा दिया, इस सिग्नल को मैं यहां से हटा रहा हूं। इस सिग्नल को हटाकर हमने क्या किया, इसका मतलब मैं जीरो सिग्नल कर रहा हूं यहां से, प्रॉपर जीरो सिग्नल, इसको जीरो कर रहा हूं पहले। और हमने क्या एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, और कौन से कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने एक बैटरी, डीसी बैटरी को लिया, डीसी पावर सप्लाई को लिया, एक डीसी बायसिंग को लिया, और वो डीसी बायसिंग को मैंने कनेक्ट किया इसके इनपुट के ऊपर, और ऐसे कनेक्ट किया उस डीसी बायसिंग का पॉजिटिव टर्मिनल बेस को कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल इमीटर को कनेक्ट कर दिया, ताकि ये फॉरवर्ड बायस बन जाए। इस कंडीशंस के ऊपर मैंने इस जंक्शन को, इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस बना दिया, तो इस सर्किट में क्या फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो अब हमें क्या करना है, अब मेरे को यहां से मैंने जो प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट दिया है, मैं इसका मतलब मैं इस केस में सिग्नल नहीं दे रहा हूं, एब्सेंस में स्टडी कर रहा हूं, इसका मतलब हम ये एसी में स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम कहां पर स्टडी कर रहे हैं, डीसी में स्टडी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको अगर समझाना चाहूं, अगर एसी में स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हम ये जो बायसिंग है इसको मैं क्या नाम देता हूं, वीबीबी। क्यों नाम देता हूं, क्योंकि ये बायसिंग किस की गई है, इस ट्रांजिस्टर के बेस की बायसिंग की गई है, और बेस को क्या बनाया गया है, फॉरवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल दिया गया है। और इसके बाद इसकी वैल्यू को मैं सेट करूंगा, और वो वैल्यू कहां पर सेट करनी है अब वो मैं बता रहा हूं। अगर मैंने यहां पर इस इनपुट के ऊपर अगर मैंने सिग्नल, कोई सिग्नल दिया है, ये कोई साइनोसाइडल सिग्नल दिया है, मैंने यहां पर वैल्यू सेट कर दी है जीरो प्रॉपर सिग्नल स्ट्रेंथ की करने के बाद, इस मैंने इस सिग्नल को जीरो किया और इसकी वैल्यू को सेट किया और कलेक्टर करंट की वैल्यू को नोट किया, इसका मतलब इन द व्हेन नो सिग्नल अप्लाइड एट द इनपुट ऑफ द डिवाइस देन जो करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा वो करंट कौन सा होगा, कलेक्टर करंट होगा। जो आउटपुट करंट फ्लो करेगा उस करंट को हम क्या कह रहे हैं, वो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होगा। सेट कर दिया हमने इस सिग्नल को जीरो करके, और इस वीबीबी की वैल्यू को फिक्स करके, इस सर्किट के अंदर से जो कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू दिस वीबीबी दैट इज कॉल्ड ए जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। अब मैं आपको एसी में और समझा देता हूं, इसकी वैल्यू को हमें ऐसे सेट करना है, अगर इसकी जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल प्रोपगेट करे, इसमें दिस प्लस ये प्लस और ये प्लस फॉरवर्ड में और जुड़ेगी, मतलब ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव और आ रहा है, तो ये और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, ये और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इमीटर बेस जंक्शन और ज्यादा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और करंट फ्लो करेगा, तो हमें आउटपुट के अंदर ये वाला पार्ट मिलेगा। लेकिन इस नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल की वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज दोनों जुड़कर, दोनों की वैल्यू जुड़ने के बाद ऐसी कंडीशन आनी चाहिए कि ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव बने और ये नेगेटिव बने, ताकि इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस ही रहे, ये इमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस ना बने, तभी ये सिग्नल क्या होगा, प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट में क्या होगा, अपीयर होगा, और ऐसा होने से हमें कौन सी एम्पलीफिकेशन मिल जाएगी, फेथफुल एम्पलीफिकेशन हमें मिल जाएगी। तो इसका मतलब फर्स्ट जो पैरामीटर होगा वो क्या करना होगा, प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट सेट करना होगा, और वो कब सेट होगा, जब ये
सिग्नल जीरो होगा, एसी सिग्नल की वैल्यू को जीरो कर देंगे और हम एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर देंगे, डीसी बायसिंग सप्लाई का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे। उस डीसी बायसिंग सप्लाई की हेल्प से इमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस बना देंगे। फॉरवर्ड बायस बनाने के बाद हम इसकी वैल्यू को सेट करेंगे और वैल्यू को सेट करने के बाद जो इस सर्किट में से आउटपुट कलेक्टर करंट फ्लो करेगा वो जो करंट होगा वो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होगा ड्यू टू दिस वीबीबी। तो हमने पहले पैरामीटर को स्टडी कर लिया है। अब मैं सेकंड पैरामीटर पे जा रहा हूं इस फेथफुल एम्पलीफिकेशन को अचीव करने के लिए। जो मेरी दूसरी कंडीशन है वो क्या है, मिनिमम प्रॉपर बेस इमीटर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट। ये क्या कहना चाहती है, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम के ऊपर हमें बेस इमीटर कौन सा है, ये बेस है और ये इमीटर है और इन दोनों के बीच की ये वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस ये वीबी है। इसका मतलब ये दोनों, ये वाली वीबीबी को मेरे को उस मिनिमम वैल्यू के ऊपर सेट करना है कि हमें आउटपुट के अंदर फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलती रहे। तो मैं इसका कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं आपको। अगर मैं इस वीबीबी की वैल्यू, इस चीज को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूं तो ये बेस इमीटर जंक्शन ये मैंने फॉरवर्ड बायस बना रखा है इस वीबीबी इसकी हेल्प से। इसका पॉजिटिव इससे कनेक्ट है, इसका नेगेटिव एन से कनेक्ट है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर इस वीबीबी की वैल्यू, ये जो फॉरवर्ड बायस के अंदर इस सर्किट में से करंट कब फ्लो करेगा, मैंने अभी बात की थी, ये जो कट इन वोल्टेज है इससे ज्यादा होते ही इस सर्किट में से करंट फ्लो करेगा। अगर इसकी वैल्यू इस कट इन वोल्टेज से ज्यादा कर देता हूं मैं तो ये कट इन वोल्टेज एकदम से ब्रेक होगी, मतलब ये पोटेंशियल बैरियर ब्रेक होगा और एक 0.8 करते ही इस सर्किट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है। 0.9 कर दूंगा तो और ज्यादा करंट फ्लो करेगा, बहुत ज्यादा एकदम सडनली फ्लो करता है क्योंकि पोटेंशियल बैरियर ब्रेक होगा, कट इन वोल्टेज एकदम से टूटेगी और ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में बता रहा हूं। इसका मतलब वीबीई की वैल्यू अगर इस कट इन वोल्टेज से मैं लार्ज कर दूं तो उस कंडीशन के अंदर कलेक्टर करंट की वैल्यू वेरी लार्ज आएगी। दूसरी मैं कंडीशन बता दूं, अगर इस वीबीई की वैल्यू इस सिग्नल की मैं बात कर रहा हूं, इस सिग्नल के किसकी बात कर रहा हूं, किसी भी कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, चाहे ये साइकिल है चाहे ये साइकिल है, इस सिग्नल के किसी भी कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं, उस कंपोनेंट की क्या होगी, कोई ना कोई वोल्टेज होगी। तो मेरे को कैसे सेट करनी है, इस वीबीई की वैल्यू इस सिग्नल के कंपोनेंट की वोल्टेज से किसी भी इंस्टेंट के ऊपर ये वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। मतलब वीबीई की वैल्यू कैन नॉट बेयर टू द एनी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल वोल्टेज। मतलब इस वीबीई की वैल्यू इस सिग्नल के कंपोनेंट की वोल्टेज से कम नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसी हो गई तो ये पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव बन जाएगा टर्मिनल और ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये रिवर्स बायस में आ जाएगा और ये सर्किट कंडक्ट नहीं करेगा। तो हमें क्या मिलेगी, फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब जिस भी कंपोनेंट की वैल्यू इस वीबीई से कम होगी वो कंपोनेंट क्या नहीं होगा, एम्पलीफाई नहीं होगा, उस कंपोनेंट का इस एम्पलीफाई वाले सिग्नल में से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस अगर सिग्नल का हो गया तो वो सिग्नल हमारे किसी काम का नहीं है। इसका मतलब मेरे को एक कंडीशन सेट करनी पड़ेगी, बायसिंग कर रहा हूं मैं, ये मिनिमम प्रॉपर बेस इमीटर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ये सेट करनी होगी मेरे को यहां पर, ताकि उस वोल्टेज के ऊपर ये इमीटर बेस जंक्शन हमेशा क्या रहे, फॉरवर्ड बायस रहे। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन कौन सी चीज के लिए हैं, मैंने अभी स्टडी किया, ये भी इनपुट के लिए है, इस सिग्नल को जीरो करना है इसके अंदर तो मेरे को कलेक्टर करंट फ्लो करना है और वो किसकी हेल्प से सेट करना है, वीबीबी की हेल्प से स्टडी करना है। और ये भी मेरी कंडीशन किसकी है,
इनपुट की कंडीशन है, और इनपुट के अंदर इमिटर बेस जंक्शन को हमेशा क्या बनाना है, हमें फॉरवर्ड बायस बनाना है। इसका मतलब ये दोनों की दोनों कंडीशन इस इनपुट टर्मिनल की बायसिंग के लिए हैं। और कौन सी बायसिंग के लिए हैं? फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हैं कि इनपुट टर्मिनल हमेशा एट ऑल टाइम एट एनी इंस्टेंट के ऊपर क्या रहे, फॉरवर्ड बायस रहे, तो ये सर्किट क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो हमने ये दोनों कंडीशंस अगर सेट कर दी हैं तो इस कंडीशंस के ऊपर ये हमेशा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा एट ऑल टाइम। अब मैं बात कर रहा हूं थर्ड कंडीशन की, मिनिमम प्रॉपर कलेक्टर इमीटर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट। इसका मतलब मैं अब बात कर रहा हूं कलेक्टर इमीटर, इसकी बात कर रहा हूं, ये कलेक्टर और इसकी बात कर रहा हूं, ये कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, और ये कौन सी है, वीसी है, ये वाली वोल्टेज है ये। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर इस VCE की वैल्यू इस कट इन वोल्टेज से अगर कम है, पहले मैंने ज्यादा की बात की थी, अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस VCE की वैल्यू इस कट इन वोल्टेज से अगर कम है, तो जो यहां पर ये पॉजिटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यहां पर ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब एन को यहां पर क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया। अगर N को नेगेटिव मिल गया तो ये जो कलेक्टर टर्मिनल है ये इमिटर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कलेक्ट नहीं करेगा, वो उनको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। अगर रिपेल कर देगा तो इस कंडीशंस के ऊपर कलेक्टर करंट तो आउटपुट करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं, तो हमें आउटपुट सिग्नल कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब मेरे को इस VCE की वैल्यू इस कट इन वोल्टेज से ज्यादा सेट करनी है, ताकि उस कंडीशंस के ऊपर हमारा ये कलेक्टर बेस या कलेक्टर इमीटर हमेशा क्या रहे, रिवर्स बायस रहे। और दूसरी एक कंडीशन मैं बता दूं, अब इस VCE की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर क्या नहीं होनी चाहिए, इस सिग्नल के कंपोनेंट की वोल्टेज की वैल्यू से क्या नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये VCE की वैल्यू इस सिग्नल के कंपोनेंट की वोल्टेज से अगर कम हो गई, तो उस कंडीशंस के ऊपर ये बेस इन कलेक्टर बेस जंक्शन है वो क्या बन जाएगा, एक कलेक्टर जो इमीटर है वो क्या बन जाएगा, फॉरवर्ड बायस बन जाएगा। और फॉरवर्ड बायस बनते ही ये इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये जो कंडीशन है, ये जो थर्ड कंडीशन है, ये आउटपुट को रिवर्स बायस बनाने की है एट ऑल टाइम। इसका मतलब ये आउटपुट की कंडीशन है, ये दोनों इनपुट की कंडीशन है, हमें ये तो पता चल चुका है। हमने फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए अचीव करने के लिए इस ट्रांजिस्टर की, इस एम्पलीफायर की हमने क्या कर दी है, प्रॉपर बायसिंग कर दी है। अब मैं प्रॉपर बायसिंग करने के बाद इस फेथफुल एम्पलीफिकेशन को आउटपुट के अंदर अचीव करूंगा, और इस अचीविंग को मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा। तो यहां तक ये ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड फेथफुल एम्पलीफिकेशन, और फेथफुल एम्पलीफिकेशन को किन पैरामीटर को फिक्स कर हम अचीव करेंगे वो स्टडी किया है। बायसिंग के लिए हमने ये तीन पैरामीटर फिक्स करने होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फेथफुल एम्पलीफिकेशन को डीसी लोड लाइन और ऑपरेटिंग पॉइंट की हेल्प से अचीव करना देखेंगे। ये ट्रांजिस्टर बायसिंग और फेथफुल एम्पलीफिकेशन के ऊपर लेक्चर था। अगर ये लेक्चर मेरा आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस लेक्चर के लिए अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर बनता है, और अपने दोस्तों के अंदर शेयर जरूर बनता है, जरूर शेयर करें। थैंक यू।